जी बताएं कौन से गांव से हैं आप लोग? हम दुर्गापुरा दुर्गापुरा से हैं। और क्या आपका नाम क्या है? आपका नाम सुनील कुमावत है। क्या समस्या है यहाँ पे? समस्या तो बहुत है साहब, यहाँ पे क्या है कि ये जो गांव, ये जो रास्ता है, ये आपका मक्सी रोड से लगा के इधर भोपाल रोड दोनों को जोड़ता है। इसके मध्य में ये शमशान को जाने के लिए एक नाला बीच में पार करना पड़ता है। तो ये रास्ता कहाँ कनेक्ट हो रहा सीधा जाके? ये अमरपुरा से होके सीधा खटाम्बा भोपाल बाईपास में टच कर रहा है। बारिश के समय काफी समस्या आती है। कब से समस्या बनी हुई है ये? विगत हमारे देखने में तो हमारी जो उम्र हो गई है 35-40 साल, उसके अनुसार तो हम जब से देख रहे हैं, जब से यही समस्याओं का समाधान। आपने अपनी समस्या ग्राम पंचायत या विधायक किसी के सामने रखी कभी? नहीं, हमारी क्या, ये तो सभी को निकलने के लिए रास्ता है, तो ये समस्या तो सबके सामने आती रहती है। बारिश के टाइम पे कोई लोग इधर से निकलते नहीं है, इस कारण से उनको इसकी जानकारी नहीं है। तो ग्रामीणों ने कभी ऐसी समस्या को प्रशासन से अवगत करवाया? हमारा भी एक सवाल है। हमारा गांव दुर्गापुरा जो है, दो विधानसभा का गांव बना हुआ है, एक देवास विधानसभा क्षेत्र है और एक हट पिपली। इसमें से 50% देवास विधानसभा में और 50 या जो भी रेशो बनता है उसमें हट पिपली क्षेत्र में आ रहे हैं, इसलिए हमें मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है। कल की क्या घटना हुई? कल हमारे गाँव में एक डेथ हुई थी जिसमें पानी भी, उस समय पानी काफी गिर रहा था, तो उस वजह से नारला पूरा उफान पे था, तो वहाँ तक जो शमशान आप देख रहे हैं वहाँ तक पहुँचने में बहुत समस्या का सब, मतलब हमें कुछ लोग सीढ़ी लगा के ना जैसे तैसे करके वहाँ तक पहुँचे हम लोग। डेड बॉडी को हमने वहाँ तक पहुँचाया, कुछ लोग इधर ही, मतलब 100 से ज्यादा लोग तो नाले के इस पार ही रह गए। अच्छा, बारिश में जो ग्रामीण है वो अपने खेतों पर कैसे पहुँचते हैं? बारिश में उसका इंतजार करते हैं, जैसे पानी बंद होगा, नाला कम होगा, उसके पश्चात ही उनके खेत पर जाना हो पाएगा। बच्चों और महिलाओं का मार्ग यही है जाने का उधर? सभी का, यहाँ से कम 10-12 गांव वाले लोग इसी नाले से होकर गुजरते हैं। प्रशासन और शासन दोनों से आप क्या चाहते हैं? प्रशासन और शासन से यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसका निराकरण हो, पुलिया का निर्माण हो, पुलिया का निर्माण करवा जाए। हम किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, पर सरकार से हम अनुरोध करते हैं कि हमारी समस्या को समझे और इसका निराकरण करें। और सर आपका क्या नाम है? प्रकाश कुमार। अच्छा, आप सभी लोग दुर्गापुरा के निवासी हैं और प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं? प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस ओर ध्यान अपना आकर्षित करें और इस समस्या का समाधान निकाले। पानी का पहला पट्टा क्यों देते? अरे रुक जा, चला भैया, तू तो रेन देव की माँ कितने लड़के का बक्ति दीजिए।